नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस का यह प्राइम शो। लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव अब 19 मई को होना है, लेकिन हिमाचल की चार सीटों पर होने वाले चुनाव में हमीरपुर लोकसभा सीट इस समय हॉट सीट बन गई है। आज हम आपको हिमाचल लेकर चल रहे हैं। मुख्य वजह यह है कि मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर का हमीरपुर से चौथी बार लोकसभा का चुनाव लड़ना। बेशक विपक्ष अनुराग ठाकुर के खिलाफ हमेशा चक्रव्यूह रचकर अपना प्रत्याशी लाते रहे हों, लेकिन अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के हर चक्रव्यूह को भेदकर कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि चौथी बार लोकसभा में पहुंचने के लिए अनुराग ठाकुर को ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है। जनता में उनका ऐसा रसूख बन चुका है कि जिस तरह देश में अब भी मोदी के नाम पर जनता वोट दे रही है, ठीक उसी तरह लोकसभा के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता की जुबान पर भी अनुराग ठाकुर का नाम खूब गूंज रहा है। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि आज हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का रोड शो था। वह देर शाम तक जनता में व्यस्त रहे। उनके रोड शो में हजारों की तादाद में लोगों का जुड़ाव भी रहा। खास बात यह रही कि रोड शो में वह ज़्यादातर समय पैदल ही चले, इसलिए कहना पड़ेगा कि उनकी जीत में छेद कर पाना विपक्ष के लिए फिलहाल बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। अनुराग ठाकुर में आम लोगों की तरह कुछ खासियत भी हैं। जैसे वे अपनी गाड़ी से उतरकर अचानक लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं और उनका कुशल क्षेम भी पूछते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सामाजिक रिश्तों को निभाना कभी नहीं भूलते। पिछले 3 प्लान से वह लगातार सांसद बनते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमीरपुर की जनता और अपने बीच कभी दूरी पनपने नहीं दी। उनकी रोचक बात एक और भी है कि वह अपने करीबी कार्यकर्ताओं के साथ दिल का रिश्ता भी रखते हैं। समय आने पर वह अपना दायित्व भी निभाते हैं। हमीरपुर की जनता में वह लोकप्रिय तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से भाजपा संगठन में रहते हुए उन्हें उच्च पदों से नवाजा गया, वह छवि भी हमीरपुर की जनता के बीच बनी हुई है। क्योंकि हमीरपुर के लोग जानते हैं कि लोकसभा में अनुराग ठाकुर की जीत उनके क्षेत्र के लिए विकास का परिचायक साबित होगी। आपको यह यहां बताना जरूरी है कि आप जानते हैं कि धर्मशाला हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। आसपास के इलाकों में हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहां लगभग तापमान माइनस के नीचे भी पहुँच जाता है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में वह निर्माण भी करवा दिया जिसे कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम बनवाया। स्टेडियम बनते ही वहाँ एक दिवसीय तथा IPL के मुकाबले भी शुरू हो गए। मेडिकल कॉलेज समेत बड़े बड़े संस्थान लाने में वह कामयाब रहे। काफ़ी हद तक उन्होंने बेरोजगारी हटाई, लेकिन अब भी उनका बड़ा सपना यही है कि हमीरपुर में बेरोजगारी बिल्कुल ना रहे। आपने अक्सर सुना होगा कि जिस मोहल्ले के लोग नेता को वोट नहीं देते, नेता हमेशा उन मोहल्लों में विकास नहीं करवाते, यानी कि उस क्षेत्र में विकास नहीं करवाते जहां से उन्हें वोट हासिल नहीं होते। लेकिन अनुराग ठाकुर इस सोच से काफ़ी दूर रहे। उन्होंने विकास कार्यों में कभी किसी क्षेत्र की जनता के साथ भेदभाव नहीं किया। उनके पास जो भी व्यक्ति काम के लिए आया, उन्होंने उसकी समस्या प्राथमिकता के तौर पर हल भी की। यही वजह रही कि उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती चली गई और जल्दी ही वह हमीरपुर की जनता के लाडले भी बन गए। इसलिए लगातार वह 3 बार चुनावों में जीतकर संसद भी पहुंचे। आपको यहाँ यह भी ध्यान दिला दें कि इस समय अनुराग ठाकुर संसद में मुख्य सचेतक भी हैं, जो वही जारी करते हैं। इसके अलावा वह हिमाचल और ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। आपको याद होगा कि अनुराग ठाकुर BCCI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। वह आर्मी में लेफ्टिनेंट भी हैं। उन्होंने बकायदा इसके पेपर दिए थे जिसमें वह उत्तीर्ण हुए और फिर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। अनुराग ठाकुर ने गरीब लोगों के लिए देश में पहली बार मोबाइल स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की। लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की वैन खुद घर तक पहुंचती है और वहीं इलाज होता है। 2009 में कांग्रेस ने उनका किला गिराने के लिए नरेंद्र ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन अनुराग ठाकुर ने 3,73,000
मत लेकर जीत हासिल की थी। नरेंद्र ठाकुर ने 3 लाख मतों पर ही सिमट गए। 2014 में कांग्रेस ने फिर इनकी जीत पर ब्रेक लगाने के लिए राजेंद्र राणा को चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन अनुराग ठाकुर ने 53.61% यानी कुल मतों का 53.61% यानी 4,48,000 मत लेकर विरोधियों के मंसूबे पर उन्होंने फिर से पानी फेर दिया। राजेंद्र राणा केवल 3,49,000 मत हासिल कर पाए थे। इस बार भी हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की हवा बह रही है। हालांकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर भाजपा और भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को घेरने के लिए कई प्लान तैयार किए हैं। आपको एक बात यहाँ बहुत बतानी इसलिए ज़रूरी है, आपको याद होगा कि जब चुनाव आयोग ने घोषणा की थी देश में लोकसभा चुनावों की, तब भाजपा ने जो पहली लिस्ट यानी कि जो पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी उसमें सबसे पहले नाम अनुराग ठाकुर का ही था। लेकिन आज के रोड शो को देखकर साफ साफ लग रहा है कि हमीरपुर की जनता किसे संसद पहुंचा रही है। हमने केवल हमीरपुर सीट का ही यहाँ पर जिक्र इसलिए किया क्योंकि हमीरपुर सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है और ख़ास बात यह है कि पूरा का पूरा विपक्ष अनुराग ठाकुर की जीत का क्रम तोड़ने में जुटा हुआ है। यहाँ यह जरूरी बताना है, यदि इस बार भी अनुराग ठाकुर संसद में पहुँचे तो उन्हें सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है क्योंकि वह चौथी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर पहुंचेंगे। वैसे अभी भी अनुराग ठाकुर केंद्रीय सरकार के आईटी के चेयरमैन भी हैं, यह एक सरकारी पद है। अब देखना यह है कि विरोधी अनुराग ठाकुर के मंसूबों पर पानी फेरते हैं या फिर पहले की तरह खुद के रचे हुए चक्र में वह फंसते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। 19 तारीख को लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव होना है और 23 मई को चुनावी गिनती होगी जिसमें रिजल्ट मतलब परिणाम सामने आएंगे। 19 के बाद हम आपको हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का आंकलन भी एक प्रस्तुत करेंगे, इसलिए देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें।